टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइन आउट. यू नो व्हाट इज कॉल्ड द डाइन आउट. डाइन आउट का मीनिंग होता है बाहर खाना खाना, यानी जस्ट यू आर एंजॉयिंग इन एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, राइट, आउट ऑफ होम. आउट ऑफ होम का मतलब ये नहीं कि घर के बाहर रख के खा रहे हैं, कहीं भी रोड पे रख के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है. जस्ट यू आर स्पीकिंग कि यू आर एंजॉयिंग आउट ऑफ होम, इट मीन्स यू आर गोइंग एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, एनी काइंड ऑफ होटल, एंड यू आर एंजॉयिंग योर फूड ओवर देयर, राइट. तो मान लो कि आप इसको, जैसे कि हम किसी बंदे से इंग्लिश, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव देन वी शुड टॉक टू पीपल, दो लोगों से बात करनी चाहिए, राइट. जैसे पहला है कि डू यू डाइन आउट, क्या आप बाहर खाना खाते हैं. जस्ट यू आर आस्किंग टू योर फ्रेंड कि हेलो माय डियर फ्रेंड, डू यू डाइन आउट, क्या आप बाहर खाना खाते हो, राइट. तो यू कैन स्पीक यस सर आई डाइन आउट, मैं बाहर खाना खाता हूं. यस सर आई डाइन आउट, मैं बाहर खाना खाता हूं. वेयर डू यू डाइन आउट, राइट. वेयर, इसमें क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, जब हम दो लोग बात कर रहे होते हैं तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं होती है, राइट. No need to speak full. पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, राइट. वेयर डू यू डाइन आउट, कहाँ खाना खाते हो, बस पूरा हो गया ये. सेकेंड आंसर करेंगे आई डाइन आउट इन. अब यहाँ पे यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट. जैसे इन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद में खाता हूँ, एनीबडी हैज स्पोकन कि आई एंजॉय इन सिटी पॉइंट, सोन टावर, एनीवेयर. तो यू कैन स्पीक आई डाइन आउट इन दैट होटल, दैट रेस्टोरेंट वेयर यू एंजॉय द फूड, जहां करते हैं. कभी कभी लोग पूछते हैं कि हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट. हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार. जैसे कुछ लोग हफ्ते में एक बार, राइट, हफ्ते में दो बार, महीने में एक बार, राइट. तो हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट, कितनी बार बाहर खाना खाते हो, राइट. तो मोस्टली पीपल वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ, राइट. तो आई डाइन आउट वंस इन अ वीक. जैसे मैंने कहा कि मैं हर संडे को बाहर खाना खाता हूं, then you can speak I dine out once in a week. मैं हर संडे को बाहर खाना खाता हूं. तो कभी कभी पूछते हैं कि with whom do you dine out, किसके साथ बाहर खाना खाते हो. with whom का मतलब होता है किसके साथ, जैसे कुछ लोग दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, राइट. तो आपने कहा with whom do you dine out, किसके साथ बाहर खाना खाते हो. तो I dine out with my family या फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाता हूं, राइट. आई डाइन आउट विद माई फ्रेंड्स. अब जाहिर सी बात है दोस्तों के साथ खाते होंगे तो फिर खर्चा भी आता होगा. तो आपने पूछा कि हाउ मच. हाउ मच का मतलब होता है कितना खर्चा आता है, राइट. हाउ मच डज इट कॉस्ट टू यू, आपको कितना खर्चा उठाना पड़ता है, कितना खर्चा देना पड़ता है. तो यहां पर आपने बोला कि इट कॉस्ट 1000, 1000 रुपए खर्चा आता है, राइट. तो मैंने पूछा भैया हाउ डू यू मैनेज द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे को मैनेज कैसे करते हो, राइट. हाउ डू यू मैनेज द एक्सपेंडिचर, बिकॉज इन फ्रेंड सर्कल नोबडी कैन पे 1000, 1%, राइट. और अगर एक दोस्त ने पे भी कर दिया, राइट, और खाना खाने के बाद आप आ भी गए, और तो जिस दोस्त ने पे किया है सबको हंसी आएगी लेकिन उनको हंसी नहीं आएगी जिसने खर्चा दिया है, राइट. तो इसीलिए कभी भी एक दोस्त को खर्चा नहीं देना चाहिए, राइट. वी गो डच. गो डच का मतलब होता है मिल बांट कर खर्चा उठा लेना. तो आपने कहा कि वी गो डच, हम लोग मिल बांट कर खर्चा उठा लेते हैं, राइट. बिकॉज क्यों मिल बांट कर खर्चा उठा लेते हैं, मनी इज माइजर्स गॉड, बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, राइट. मनी इज माइजर्स गॉड, सो मनी ब्रेक्स द रिलेशंस. मनी ब्रेक्स द रिलेशंस, पैसा रिश्ते नाते तोड़ देता है. दैट्स वाई वी गो डच, राइट. तो दिस वे यू कैन कन्वर्सेट विद योर फ्रेंड्स, विद एनीवन, और यू कैन कन्वर्सेट विद सेल्फ, आप खुद से भी कन्वर्सेट कर सकते हैं. एंड यू कैन क्रिएट ऑल द डायलॉग्स एंड इजीली यू कैन डू द प्रैक्टिस, बिकॉज If you are doing regular practice, then you are making yourself more perfect. तब आप अपने आप को ज्यादा perfect बना लेंगे. Thank you for this. Okay.